भागलपुर नगर निगम में नवनिर्वाचित मेयर, डिप्टी मेयर और सभी वार्ड पार्षदों के कमान संभाल लिए गए। कार्यक्रम की शुरुआत में नगर आयुक्त ने नवनिर्वाचित मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया, जिसके बाद सबों ने अपना परिचय दिया। सबसे पहले नगर आयुक्त ने सभा को संबोधित करते हुए भागलपुर के विकास की बात कही। वहीं मेयर व डिप्टी मेयर ने भागलपुर की प्रगति के बारे में एक बैठक कर उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि अभी तक सिर्फ भागलपुर वासियों को संतावना मिली थी, लेकिन अब काम दिखेगा। हमें उम्मीद है कि पार्षद भी हमें सहयोग करेंगे, साथ ही जनता का सहयोग मिलेगा, तो निश्चित रूप से भागलपुर प्रगति करेगा और स्वास्थ्य और स्वच्छ भागलपुर तैयार होगा। तो लगता है आज काम कहां करेंगे, आज तो बस इंट्रोडक्शन था। हम लोग एक दूसरे का परिचय लिए और एक दूसरे के बारे में जाने, काम की शुरुआत होगी, बैठेंगे, अपने चैम्बर में जाएंगे, मीटिंग होगी, उसका डेट फिक्स होगा कि कब से। अभी मेरा चैम्बर तैयार नहीं हुआ है, चैम्बर तैयार हो जाता है तो फिर हम आज देखिए, आप लोग जान रहे हैं चुनाव के बाद जो शपथ का कार्यक्रम था, शपथ कार्यक्रम सम्पन्न होने के पश्चात आज महापौर महोदया द्वारा और उप महापौर उनका जो है यहाँ पर ऑफिस का भ्रमण भी किया गया और सभी पार्षदों का भी एक जो है वो गैदरिंग है, यहाँ पर गेट टुगेदर है, लोग एक दूसरे से जो है अपना परिचय भी दे रहे हैं। पहले मैं माननीय महापौर महोदया डॉक्टर वसुंधरा लाल जी का, जो पहली बार जनता के द्वारा महापौर चुनी गई है और सौभाग्य डॉक्टर वसुंधरा लाल जी को प्राप्त हुआ, तो मैं सदन के तालियों की गड़गड़ाहट के माध्यम से मैं उनका बहुत